बाबू नीतीश कुमार कहले बनी दू आदमी के लेके जाए के बा तो छोट एगो मेहरारू के बच्चा होके तो ऊ कहा नीतीश कुमार जी के घरे धराई आ सिपाही जी लोग कहत लोहे कहा जाए रे पैसा दे ना तो खोल पाइट से मारल जा रूल से। कोरोना काल में तरल के का समाचार बा? एक दिन में 1000 कमा रहा था टैक्सी से, एक दिन टाइम था, आज 200 रुपया भी जुटाना मुश्किल हो जाता है साहब। कैसा स्टेट आ गया आप बोलो। आज हमारे स्टेट में 8 कंपनी होता तो हम दूसरे स्टेट में गांव मरवाने नहीं जाते हैं। 8 महीने के पैसे दूसरे स्टेट में पैसा देते हैं, 1 महीने के तो स्टेट का पैसा किराया भाड़ा आपका किराया में दे दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी से पूछिए कि आप कहीं यात्रा करने जाइएगा आपको प्रशासन कहेगा कि ये दुगो बचवा छोड़ दीजिए तो वो क्या करेंगे, हमको इतने जवाब दीजिए। नीतीश कुमार जी आप क्या करिएगा, प्रेम जी ऑटो ड्राइवर हैं, ऑटो चलाते हैं और इनका सवाल है कि मान लिया कि कहीं जाना हो मियां बीवी इस लॉकडाउन में, नहीं नीतीश बाबू जाएंगे उनका बच्चा रहेगा तो वो क्या करेंगे, क्या करेंगे इनका सवाल उनसे पूछिए पहले। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अगर आप देख रहे हैं ये चैनल समय सिवान को तो आप जरूर इस बात की प्रतिक्रिया दीजिएगा। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने सिवान। कोरोना काल में तरल के का समाचार बा? कोरोना काल में क्या, कोरोना में तो आदमी सावधानी में चलता अभी आ फिर से महामारी बा, खाई पिए घर द्वार कैसे चलता, घर द्वार का चली, पैसा रही तब न घर द्वार चली। अच्छा पैसा हल नहीं के कि घर द्वार चलावल जाए बढ़िया से, खाइल पियल जाए बढ़िया चीज के। सवारी नहीं मिलत? सवारी मिलता तो डरे आदमी कहीं जात नहीं खे। कौन चीज का डर? डर कौन चीज के भाई, ये का आदमी रोड में नहीं के चले के। अच्छा चले के बता आदमी चलो तो डेरा डूरा बाबू नीतीश कुमार कहले बनी दू आदमी के लेके जाए के बा तो छोट एगो मेहरारू के बच्चा होके तो ऊ कहा नीतीश कुमार जी के घरे धराई आ सिपाही जी लोग कहत लोहे कहा जाए रे पैसा दे ना तो गांड खोल पाइट से मारल जा रूल से। ये बताई रउआ अगर मियाँ बीवी हो तो दू गो लड़कवा रही ऊ कहा जाइय सर, उतना वो कमा के आते नहीं के बेचारा की दू गो गाड़ी करी। तब बीमारी बा, सोशल डिस्टेंसिंग रखे के बा, नजदीक नजदीक सट के नहीं बैठे के। सरकार कुछ पैसा दे दे ओकनी के जब बाहर से आओ तरसन की दू गो गाड़ी करो, रउआ लगे अगर 10 रुपया होके तो 20 रुपया गाड़ी के करे के बाद तो रउआ बताई की क्या करे, 20 रुपया गाड़ी वाला मांगे दू गो गाड़ी के तो 10 रुपया में तो रउआ क्या करे, लड़कवा के हमरा के दे 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 हम रुआ बताई ना ना एक गाड़ी में बैठी आदमी तो लेकिन सिपाही घर तुर पीटी दू गो कहने बैठ लिया रे। तो नीतीश कुमार जी कहे प्रशासन से कि नहीं बच्चा भी जाएगा, हम आज लेके गए थे मियाँ बीबी हम लोग हैं दू गो बच्चा था तो सिपाही जी कह रहे हैं कि है कहे बैठाया है रे तो वो लड़कवा को क्या करे, नीतीश जी को घरे भेजे कि आपके घर भेज दे, आप बताइए अब हमको वहाँ आप बताइए। हमारे घर काहे के लिए भेजिएगा, अपना सरकार से पूछिए, उन्हीं के लिए ना लेके घूम रहे हैं। नहीं नहीं हम लोग उनसे हम लोग सवाल करते हैं तो सवाल उनसे पूछिए कि नीतीश बाबू जी बच्चा उनका रहेगा बच्चा। चलिए आपके तरफ से हम सवाल पूछ रहे हैं और अपने तरफ से सवाल पूछ रहे हैं। एक मिनट हाँ बोलिए। नीतीश कुमार जी से पूछिए कि आप कहीं यात्रा करने जाइएगा आपको प्रशासन कहेगा कि ये दुगो बचवा छोड़ दीजिए तो वो क्या करेंगे, हमको इतने जवाब दीजिए। नीतीश कुमार जी आप क्या करिएगा, प्रेम जी ऑटो ड्राइवर हैं, ऑटो चलाते हैं और इनका सवाल है कि मान लिया कि कहीं जाना हो मियां बीवी इस लॉकडाउन में, नहीं नीतीश बाबू जाएंगे उनका बच्चा रहेगा तो वो क्या करेंगे, क्या करेंगे इनका सवाल उनसे पूछिए पहले। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अगर आप देख रहे हैं ये चैनल समय सिवान को तो आप जरूर इस बात की प्रतिक्रिया दीजिएगा। घर कहाँ हुआ? हमारा घर हुआ अपराध मोर, कंपूरा मोर। अच्छा हाँ जी, कल्याणपुर घर पड़ता है साहब। पुलिस वाले थाना वाले मिले हैं, हम दारू पी के शाम को ड्राइवर बंदे तो 90 में 80% भी दारू बंद है हो। अरे CH में कहाँ दारू बंद है, 50 के तो अधिया मिलता है साहब। कहाँ बिहार में? CH की क्या बात बोल रहा हूँ आपसे, चंडीगढ़ में। हाँ जी हाँ जी, आपने चंडीगढ़ कही, बड़ा रेंज आपका दिमाग है तो हमारा ना, 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 हम लोग आप ही की तरह लोग हैं भाई, में चलते हैं साहब। बोलिएगा तो चंडीगढ़ कैसे समझेंगे, अरे चंडीगढ़ कही। अच्छा छोड़िए, चंडीगढ़ तो दूसरा स्टेट है। देखा को टीवी पे देखा, सामने देखा होता तो क्या बात होता। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बताइए क्या नाम हुआ, बताए अपना भैया? चंदन सिंह। चंदन भाई बाप का नाम तोता, बेटा का नाम खोता।
मेरा बताइए, अभी लॉकडाउन है। हाँ जी, हम परेशान ड्राइवर बंदे हैं साहब। आप परेशान हैं? हाँ जी, परेशान है। इसलिए परेशान, अपने से कम परेशान है तो दूसरे को परेशानी देख के भूखा प्यासे हैं। स्टेशन पर बंदे मर रहे हैं। कोई बंदा, हम परदेश रहते हैं, परदेशी बंदे को मालूम होता है कैसे परदेशी रहता है। हाँ, हमारे को दिल में दुखित होता है, हमारा घर दुआ रहे तो क्या हुआ। हमारे को दिल करता है हमारे घर परिवार में होता तो चार रोटी बनवा के इनको चार रोटी खिला देते। हमारे घर में ना माँ बहन है, कोई नहीं है। अभी जो आप ये सब दिक्कत है, किसकी वजह से ये सब दिक्कत है? सरकार जो है अभी बिहार सरकार नीतीश जी हैं, जी हाँ जी, इनके कार्यकाल से आप, इनके काम काज के तरीके से आप खुश हैं? ये साहब नमस्ते जी तो नाम नहीं समझते जी, ये स्टेट का भाषा है। आज हमारे स्टेट में 8 कंपनी होता तो हम दूसरे स्टेट में गाड़ मरवाने नहीं जाते हैं। 8 महीने के पैसे दूसरे स्टेट में पैसा देते हैं। 1 महीने के तो स्टेट का पैसा किराया भाड़ा आपका किराया में दे रहे हैं। 2500 वॉल्वो किराया है, आप मानते हो? कंपनी नहीं है, आप रोजगार नहीं है, यहाँ क्या रोजगार है? बदमाशी है। यहाँ का नेता बोलता है गोलीबारी करो दिवाली के दिन में, पटाखे की आवाज में बंदे को उड़ाओ, क्या बात करेंगे। यहाँ सब नेता लोग ठीक नहीं है, यहाँ के नेते हैं सब मशरूम पनीर खाने वाले नेता है, मशरूम विधायक पड़े हैं। हाँ, इनके घर में पीपा। अच्छा, अभी कोरोना में जो सब लोग नेता लोग घर में लुकाए हुए हैं, हाँ, इनके पीपे में आटा भरा हुआ है। जय शंकर की, हमारे पीपे में आटा नहीं है। हम कोरोना पेशेंट का हटाते नहीं है। भाई साहब 1 मिनट थोड़ा दूर रखना भैया, मैं छू नहीं सकता हूँ, ऑक्सीजन लगा सकता हूँ गाड़ी में, मैं ड्राइवर बनता हूँ। माने जो आप ड्राइवर में जब पेशेंट को ले जाते हैं, हाँ, तो आप उसको साथ माने, हाँ, उसको सहयोग करते हैं? हाँ जी हाँ, मैं पाइप लगा देता हूँ, ऑक्सीजन अच्छा। खोल देता हूँ। हाँ, कौन गाड़ी है आप? ये एम्बुलेंस वगैरह? जी हाँ जी हाँ जी, प्राइवेट एम्बुलेंस। इस टाइम पटना के 7,000 रुपया किराया लगता है। अच्छा, किसी के पास पैसा भी मजबूरी कम है, मैं ड्राइवर आदमी हूँ, मैं 6,000 भी ले लेता हूँ। चंदन सिंह, चंदन सिंह जी है, एम्बुलेंस चलाते हैं। इनके हाँ, अंदर जो कोरोना से डर नहीं है, हाँ। आपका पीपा माटा है, आप कोरोना से डरते होंगे, हाँ। हम कोरोना के पास ही बैठाते हैं। आज जय शंकर की, तेरा जवानी मेरा बुढ़ापा, तू तरस खाएगा, हम मरने से कफन पॉकेट है ही नहीं। ठीक है, आपसे और भी हम लोग रो रहे हैं इस टाइम, हम सब आपके। हाँ जी हाँ जी, सब पैसा खर्चा कर दूंगा मेहनत, हमारे घर दुआर है नहीं, 12 बरिस में माँ को आग दे रखा हूँ। पापा से बोलता हूँ, पापा कभी बेटा बेईमानी शैतान नहीं करेगा, ड्राइवरी करता है। एक दिन में 1,000 कमा रहा था टैक्सी से, एक दिन टाइम था, आज 200 रुपया भी जुटाना मुश्किल हो जाता है साहब। कैसा स्टेट आ गया आप बोलो? हमारे स्टेट में 10 कंपनी होता तो हम 8 कंपनी को पैसा 8 महीने में दे के नहीं आते। जैसे भेस में आते हैं उसी भेस में भागते हैं। 2 महीने घर पे रहते हैं, पैसा सब खर्चा हो जाता है, किसी बहनोई को खिला देते, किसी सार को खिला देते, पैसा खर्चा हो जाता है। हाँ जी, 2 महीने में 40,000 आप क्या कर सकते हो? सब दिन तो आप पैसा घर पे भेज देते हो, पैसा बचता नहीं, हम रोज जाते हैं। तो चलिए आपसे सुन लीजिए, हम लोग बहुत लंबा बात नहीं कर सकते हैं, आपकी बात आ गई, हम लोग ने समझ लिया और हम लोग दिखा देंगे। नीतीश सरकार कोई बात नहीं, गोली मरवाने चाहते हैं तो गोली मारने वाले, सरकार के बारे में ऐसा नहीं कहा जाता है। सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है। हाँ जी, आपका विरोध है, वो विरोध लोकतंत्र में हम सरकार का विरोध कर सकते हैं। हमारे बंदे इतना भूखे मर रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो साहब। तो अभी हम लोग सिवान जंक्शन से यहाँ पे जो ऑटो ड्राइवर लोग हैं इनकी समस्याओं पर हम लोग बात कर रहे थे। हमारे कुछ साथी थे जिन्होंने अपनी समस्या को बताया, सरकार को लेकर के जो बिहार सरकार है इस कोरोना काल में जो उसका काम काज है, या फिर कोरोना काल के पहले का जो दौर था उसको लेकर के यहाँ के जो ड्राइवर लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, अपने परिवार को जिलाने वाले लोग हैं, उनके अंदर एक गुस्सा महसूस किया जा सकता है। और ये गुस्सा किस हद तक जायज़ है ये हम आप दर्शकों पर छोड़ते हैं। जहाँ तक रोज़गार की बात रही तो रोज़गार को लेकर के यहाँ पर जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए थे उनका कहना है कि अगर बिहार में फैक्ट्रीज़ होती, यहाँ पर रोज़गार होता तो निश्चित तौर पर दूसरे स्टेट में और इस तरह की दर दर ठोकरें खाने की नौबत नहीं पड़ती। फिलहाल सिवान जंक्शन से इतना ही, रात के लगभग 10 बजने को है और हम लोग फिर जो भी जैसा भी खबरें होंगी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। देखते रहिए समय सिवान।